हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्न विद श्रुति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड बीम के लिए है और इसमें हमें कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी प्लास्टिक हिंज एनालिसिस के लिए है, तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोज आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये फिक्स्ड बीम है ए से लेकर डी तक और यहाँ पर दो लोड्स लग रहे हैं डब्ल्यू। एक लग रहा है 1.5 एल डिस्टेंस पर ए से और दूसरा लग रहा है डब्ल्यू 1.5 एल डिस्टेंस डी से। तो अब देखिए इसमें भी जो हिंज फॉर्म होगी तो कोलैप्स होने के दो पॉसिबिलिटीज होंगी। तो दो पॉसिबल कोलैप्स मैकेनिज्म कौन से होंगे? एक तो ये वाले डब्ल्यू पर होगा और दूसरा ये वाले W पर होगा। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं फर्स्ट वाले का, फर्स्ट केस ऑफ कोलैप्स मैकेनिज्म। तो फर्स्ट केस क्या होगा कोलैप्स मैकेनिज्म का? तो देखिए हमने बीम ड्रॉ कर ली, अब हमको इस लोड से कोलैप्स हो रहा है, मतलब ये यहां पर कहीं पर डिफ्लेक्शन हो रहा है हम मान लेते हैं। तो इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट भी है तो इसे भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहां पर लोड कितना लग रहा है W, यहां पर भी W लग रहा है। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, हम क्योंकि ये वाला W फर्स्ट टाइम में कंसीडर कर रहे हैं तो इसको हम डेल मान लेते और इसको हम ए बी नाम दे देते। अब देखिए क्योंकि डिस्टेंस दोनों अलग अलग है तो ये एंगल भी अलग अलग हो जाएगा, रोटेशन मतलब ये हो जाएगा थीटा वन, ये हो जाएगा थीटा टू। और हिंज कहाँ कहाँ पर फॉर्म होगी? तो हिंज जो है ये ए है और ये बी पॉइंट है। तो एक हिंज यहां पर फॉर्म होगी, एक यहां पर फॉर्म होगी और एक यहां पर फॉर्म होगी। तो अब देखिए यहां पर जो हिंज फॉर्म होगी तो वो किस तरीके से होगी? एमपी दिया है तो यहां पर एमपी और ये थीटा वन। अब यहां पर भी देखिए इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी? तो इस पॉइंट के लिए इधर साइड में होगी एमपी और इस साइड में हो जाएगी देखिए 0.5 एमपी। और यहां पर हो जाएगी एमपी क्योंकि यहां पर एमपी दी हुई है तो यहां पर हो जाएगी एमपी। फ्रेंड्स, जो इजी वाले क्वेश्चंस थे इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताए हैं, उसके बाद मैंने ये थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन लिया है। तो अगर आप चाहें तो आपका बेस क्लियर करने के लिए आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है। अब सबसे पहले तो हमको थीटा वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा वन अगर हम ले तो टेन थीटा वन क्या हो जाएगा, टेन थीटा वन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए अगर ये एंगल थीटा वन है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, डेल्टा। इसके सामने वाली साइड हो जाएगी डेल और बेस, बेस कितना हो जाएगा मतलब ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है 1.5 इंटू एल। अब ये जो थीटा वन है, ये टेन थीटा वन है तो इसको हम नियरली इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं क्योंकि जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन 1.5 एल। तो यहां से हमको थीटा वन की वैल्यू मिल गई, यहां से हमको डेल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो डेल की वैल्यू हमको मिल जाएगी थीटा वन इंटू 1.5 एल। और वैसे ही हम इस वाले ट्राइंगल से थीटा टू निकाल सकते। तो देखिए
टेन थीटा टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो टेन थीटा टू हो जाएगा परपेंडिक्युलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिक्युलर कितना है ए बी अपॉन ये बेस, तो ये बेस कितना है 1.5 L। या फिर अगर हम ये पूरा वाला ट्रायंगल कंसीडर करें तो इसमें देखिए दोनों अगर डेल डेल हमको निकालना है तो हम एक ये चीज भी कर सकते हैं। देखिए हमको यहाँ से ए बी की वैल्यू मिल गई, टेन थीटा टू इज नियरली इक्वल टू थीटा टू, तो यहां से हमको मिल जाएगा ए बी अपॉन 1.5 L। तो ये हो गया ए बी इज इक्वल्स टू थीटा टू इन टू 1.5 L। तो ये मिल गया हमको ए बी और ये मिल गया डेल्टा, लेकिन देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे अब थीटा टू निकालेंगे ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, मतलब अब इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो इसको भी हम नाम दे देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। तो ये वाला जो हमने ट्राइंगल लिया था ये लिया था ए इसको हम क्या नाम दे, इसको नाम दे देते हैं ई, इसको नाम दे देते हैं एफ। तो ये वाला ट्राइंगल हमने कौन सा लिया था, ट्राइंगल ई सी डी, और ये ट्राइंगल हमने कौन सा लिया था एफ ए बी। देखिए एफ ए बी और ये ट्राइंगल लिया था ई सी डी, आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। तो यहाँ से हमको ए बी की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमको डेल्टा की वैल्यू मिल गई, लेकिन अब देखिए डेल्टा की वैल्यू हमको यहाँ से भी मिल सकती है इस बड़े ट्राइंगल से, मतलब बड़ा ट्राइंगल कौन सा, अगर हम ले लें ट्राइंगल एफ सी और डी, ट्राइंगल एफ सी और डी, तो इस ट्राइंगल में देखिए टेन थीटा टू क्या हो जाएगा डेल्टा अपॉन इतनी पूरी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है एल प्लस 1.5 L। तो हम यहां से लिख देंगे टेन थीटा टू इज इक्वल्स टू परपेंडिक्युलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिक्युलर कितना हो जाएगा डेल्टा और बेस कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, मतलब एल प्लस 1.5 L। तो ये हमें मिल गया टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो ये हमें मिल गया थीटा टू इज इक्वल टू डेल अपॉन 2.5 L, एल प्लस 1.5 2.5 L। तो यहां से हमको डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल गई, डेल्टा मिल गया हमको थीटा टू इंटू 2.5 L। देखिए फ्रेंड्स अब ये भी एक डेल्टा की वैल्यू है और एक ये भी डेल्टा की वैल्यू है, तो डेल्टा डेल्टा हम इक्वेट कर सकते हैं इन दोनों को। तो अब जब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए यहां पर मैं आपको दिखाती हूं करके, तो डेल्टा और डेल्टा को हम इक्वेट कर दे रहे, इसको नाम दे देती हूं इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हमें क्या मिल जाएगा, थीटा वन इंटू 1.5 L इज इक्वल्स टू थीटा टू इंटू 2.5 L। तो देखिए L से L तो कैंसिल हो गया और थीटा वन किसके बराबर हो गया, थीटा वन हो गया 2.5 अपॉन 1.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा वन क्या हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट के आंसर 15 थ्री टाइम्स और ये 5 टाइम्स, सो हमें मिल जाएगा 5/3 थीटा टू। देखिए 5/3 थीटा टू, तो ये हमें मिल गया थीटा वन और थीटा टू के फॉर्म में। अब हमने इसको थीटा वन और थीटा टू के फॉर्म में क्यों चेंज किया है, तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कोलैप्स लोड। तो कोलैप्स लोड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने लास्ट के वीडियोस में भी बताया था, हमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड इसमें लगानी पड़ती है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता क्या है एक्चुअली, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है देखिए मैं आपको बताती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्क डन।
तो अब एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सटर्नल वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इंटरनल वर्क डन क्या होगा, तो इंटरनल वर्क डन होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि एमपी इनटू रोटेशन। रोटेशन यानी कि कोलैप्स होने के बाद ये जो हमारी बीम है ये कितने एंगल से घूम रही है, तो ये जो थीटा वन और थीटा टू है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रोटेशन। तो देखिए अब फोर्स, फोर्स यानी कि डब्ल्यू, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डेल्टा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अब केस वन में हम डब्ल्यू कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा डेल्टा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डेल्टा। उसके बाद मोमेंट इंटू रोटेशन, तो मोमेंट कितना हो रहा है एमपी थीटा वन, तो ये हम एज इट इज लिखते जाएंगे यहां पर, तो ये हम यहां पर लिख देंगे एमपी थीटा वन। फिर यहां पर देखिए यहां पर कितना हो रहा है एमपी, और ये कौन सा एंगल है थीटा वन, और यहां पर कौन सा एंगल हो जाएगा थीटा टू, तो यहां पर भी हो जाएगा अब देखिए फ्रेंड्स इस पॉइंट पर जो है कितना दिया है हमें, इस पॉइंट पर 0.5 एमपी। तो अब एमपी और 0.5 एमपी में से छोटा कौन सा है 0.5 एमपी, तो हम क्या करेंगे यहां पर भी 0.5 लेंगे, मतलब दोनों में से मिनिमम वाला लेना है, तो यहां पर भी 0.5 एमपी, यहां पर भी 0.5 एमपी। तो इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा मोमेंट इंटू रोटेशन हो जाएगा 0.5 एमपी थीटा वन, तो यहां हम लिख देंगे प्लस 0.5 एमपी थीटा वन प्लस। अब देखिए इधर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है थीटा टू, देखिए जेड बन रहा है तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, तो थीटा टू अगर ये है तो ये भी थीटा टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 एमपी थीटा टू, तो इसे हम यहां पर लिख देंगे 0.5 एमपी थीटा टू प्लस ये जो लास्ट में हिंज डेवलप हो रही है, तो ये कितनी हो रही है एमपी और ये थीटा टू, तो इसको हम लिख देंगे एमपी थीटा टू। अब देखिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब ये जो हमने रिलेशन निकाला है थीटा वन इज इक्वल टू 5/3 थीटा टू इस पूरे कैलकुलेशन से, तो इसको हम रख देंगे, मतलब थीटा वन की जगह हमें क्या रखना है 5/3 थीटा टू, तो चलिए रख देते हैं ऑन पुटिंग थीटा वन इज इक्वल्स टू 5/3 थीटा टू। तो ये वैल्यू जब हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो डब्ल्यू इंटू डेल, अब देखिए डेल्टा की भी वैल्यू हमने क्या निकाली थी थीटा टू के फॉर्म में, तो देखिए ये निकाली थी हमने थीटा टू इंटू 2.5L, तो इसे भी हम रख सकते हैं थीटा टू के फॉर्म में। चलिए ठीक है पहले हम डब्ल्यू इंटू डेल्टा लिख लेते हैं एज इट इज। अब यहाँ पे एमपी इंटू थीटा वन की जगह हमें क्या रखना है 5/3 थीटा टू, तो ये हमने रख दिया प्लस 0.5 एमपी इंटू 5/3 थीटा टू प्लस ये 0.5 एमपी एज इट इज थीटा टू एज इट इज प्लस एमपी थीटा टू भी एज इट इज। अब इन सब को क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो देखिए 5/3 कितना हो गया 1.67, ये भी हो जाएगा 1.67 तो ये हमें मिल गया 4.00। जब हमने इस सब को प्लस किया तो हमें कितना मिल गया, देखिए ये मिला हमें 1.67 एमपी थीटा टू प्लस ये हमें मिल गया 0.835 एमपी थीटा टू प्लस 0.5 एमपी थीटा टू प्लस एमपी
थीटा टू, और ये इधर का w इंटू डेल एज इट इज, देखिए w इंटू डेल एज इट इज, और इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमें ये मिल गया। अब क्या करेंगे, देखिए सारी वैल्यूज हमारी थीटा टू के फॉर्म में है, तो हम इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो देखिए इसको प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा w इंटू डेल इज इक्वल्स टू 4mp थीटा 2, ये हमें मिल गया 4mp थीटा 2। अभी अब ये जो डेल है तो डेल की भी वैल्यू हमने निकाली थी, अब ये थीटा 2 के फॉर्म में है और हमारे पास डेल की दो वैल्यूज है, देखिए एक ये डेल की वैल्यू है थीटा 1 के फॉर्म में और दूसरी वैल्यू है थीटा 2 के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी थीटा 2 है तो इस वैल्यू को हम रख देंगे यहां पर, तो थीटा 2 इंटू 2.5L इज इक्वल्स टू 4MP थीटा 2। तो अब देखिए थीटा 2 से थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको W की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4MP अपॉन 2.5L। तो हमें कितना मिल गया, ये ये हमें मिल गया कितना, लेकिन ये जो W मिला है हमें टोटल W नहीं मिला है, हमें क्या करना है, इसमें ये वाला भी ऐड करना है। देखिए ये वाला भी एक W है, लोड ये वाला भी है, तो लोड W इंटू AB भी कर रहे हैं हमें यहां पर हर जगह पर, तो इसे हम क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे प्लस W इंटू AB, ये मैं आपको लिखना भूल गई थी सॉरी, यहां पर भी हम क्या करेंगे प्लस W इंटू ए बी, वैसे ही यहां पर भी हम लिख देंगे प्लस W इंटू ए बी, क्योंकि ये वाला लोड भी हमें कंसीडर करना है ये वाला। तो देखिए अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये से मैं कट करके आपको एक बार फिर से बताती हूँ, देखिए ये हो गया W इंटू ए बी प्लस W इंटू डेल इज इक्वल्स टू 4MP थीटा 2, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, AB की वैल्यू रख देंगे, तो W इंटू AB की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखिए हमने AB की भी वैल्यू निकाली थी यहां से, तो AB की वैल्यू थी थीटा 2 इंटू 1.5L, तो इसको रख देंगे थीटा 2 इंटू 1.5L प्लस W इंटू डेल, डेल्टा की वैल्यू थीटा 2 के फॉर्म में क्या है, थीटा 2 इंटू 2.5L इज इक्वल्स टू 4MP थीटा 2। तो अब देखिए ये भी सारे थीटा 2 और L की टर्म्स में है, तो इसे भी हम प्लस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5 दैट इज 4 W थीटा 2 और ये L, W थीटा 2 और L और ये 1.5 प्लस 2.5 दैट इज 4 इज इक्वल्स टू 4MP थीटा 2। तो अब देखिए थीटा 2 से थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां पर मिल जाएगा W इज इक्वल्स टू MP बाय L। तो ये हमें मिल गया कोलैप्स लोड W इज इक्वल्स टू MP बाय L फिक्स एंडेड बीम के लिए, जिसमें केस वन हमने सॉल्व किया है। अब देखिए केस टू, तो केस टू में क्या होगा, कोलैप्स लोड किस तरीके से होगा, केस टू के लिए क्या हो जाएगा कि अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो यहां पर हमें डिफ्लेक्शन लेना है डेल और इस पॉइंट को हम क्या सपोज कर लेंगे ए बी, मतलब अब इस तरीके से बनेगा डायग्राम। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखा देती हूं, ये बीम है हमारी, यहां पर लग रहा है डब्ल्यू और एक यहां पर लग रहा है
और ये है, ये पॉइंट है ए, यहाँ पर एम पी डिस्टेंस है, यहाँ पर डब्ल्यू, यहाँ पर भी डब्ल्यू, यहाँ पर है 0.5 MP, यहाँ पर एम पी, यहाँ पर डिस्टेंस है 1.5 L, यहाँ पर L और यहाँ पर भी 1.5 L। अब क्या करना है हमें, ये पॉइंट है ए, ये बी, ये सी और ये है डी, ये डिस्टेंस है 1.5 L, ये डिस्टेंस है L और ये डिस्टेंस है 1.5 L। अब क्या करेंगे देखिए, इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा कोलैप्स मैकेनिज्म का, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब ये डिफ्लेक्शन कहां पर होगा, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट से इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां पर भी एक लोड है, तो इसे भी हमें दिखाना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस तो हो गया डेल, और इसको हमें कुछ नाम देना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं पहले, तो ए ये पॉइंट है, बी ये सी है और ये डी है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अब ये थीटा वन और ये थीटा टू। वापस यहां पर क्या लगेगा, एक हिंज डेवलप होगी, यहां पर एक हिंज डेवलप होगी और यहां पर एक हिंज डेवलप होगी। देखिए तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, एम पी थीटा वन, यहां पर ये भी एम पी है, तो एम पी थीटा टू। अब देखिए क्योंकि सेंटर में 0.5 MP है और हमको क्या लेना है, हमेशा दोनों में से जो मिनिमम है उसकी वैल्यू लेना है, तो एम पी और 0.5 MP में से मिनिमम कौन सा है, 0.5 MP। तो हम यहां पर देखिए, ये थीटा वन अगर है तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा वन, और ये अगर थीटा टू है तो ये एंगल भी थीटा टू हो जाएगा। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम पी, लेकिन कौन सा, 0.5 MP, और यहां पर भी हो जाएगा 0.5 MP। अब सेम प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या है हमारी कि प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की प्रोसेस क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के लिए क्राइटेरिया होता है एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्क डन। तो एक्सटर्नल वर्क डन हमारा पास क्या है, डब्ल्यू इंटू डेल्टा, डब्ल्यू इंटू डेल प्लस ये वाला भी डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इंटू ये डिस्टेंस क्या है, बी एफ, डब्ल्यू इंटू बी एफ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और इज इक्वल्स टू इंटरनल वर्क डन। तो इंटरनल वर्क डन क्या होता है, मोमेंट इंटू रोटेशन। तो देखिए एम पी थीटा वन प्लस यहां पर कितना है, 0.5 MP थीटा वन, फिर यहां पर कितना है प्लस 0.5 MP थीटा टू, और यहां पर है एम पी थीटा टू। अब इसके बाद इसे हम इक्वेशन वन अज्यूम कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि डेल की वैल्यू चाहिए, बीएफ की भी वैल्यू चाहिए, और ये जो सारी टर्म्स है इसे हमें किसी भी एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होगा, या तो थीटा वन में या तो थीटा टू में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थीटा वन की वैल्यू निकालते हैं, तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी और एफ। अगर हम छोटा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी और एफ, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए टेन थीटा वन, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए बी और एफ, तो यहां से हमें मिल गया टेन थीटा वन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी बी एफ अपॉन ए बी बेस यानी कि 1.5 L। तो आप देखिए यहां से हमें बी एफ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा वन इंटू 1.5 L इज इक्वल्स टू बी एफ, इज इक्वल्स टू बी एफ। तो ये हमें मिल गया क्या, बी एफ की वैल्यू, ये हमें मिल गई बी एफ की वैल्यू। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे एक और ट्राइंगल लेकर, ट्राइंगल ले लेते हैं हम बड़ा वाला, ए सी और ई, ए सी और ई। तो अब देखिए इस ट्राइंगल में एंगल तो सेम ही रहेगा, टेन थीटा वन
और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सीई। तो सीई की वैल्यू कितनी है, डेल्टा अपॉन में ये बेस कितना है, तो 1.5L प्लस L यानी कि 2.5L। तो यहां से हमें डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो वो हो जाएगी थीटा 1 इंटू 2.5L। ये टेन थीटा 1 को हम थीटा 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल जो है वो बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए हम उसको थीटा 1 लिख सकते हैं। अब थर्ड वाला हमें फिर से लेना है, तो थर्ड वाला कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला डी सी और ई, छोटा ट्राइंगल डी सी और ई। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, टेन थीटा 2, देखिए थीटा 2 एंगल है, तो सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर यानी कि डेल्टा, और बेस बेस कितना है 1.5L। तो ये हमें मिल गया डेल्टा इज इक्वल्स टू 1.5L इंटू थीटा 2। तो ये देखिए दो वैल्यूज हमें मिल गई डेल्टा की। तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा की दोनों वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो यहां से हमें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं कंपेयर। तो हमें एक डेल्टा क्या मिला है, थीटा 1 इंटू 2.5L, और दूसरा हमें मिला है थीटा इज इक्वल्स टू, डेल्टा इज इक्वल्स टू थीटा 2 इंटू 1.5L। तो ये हमें दो वैल्यूज मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। तो किस तरीके से कंपेयर करेंगे दोनों को, ये देखिए एक वैल्यू हमें मिल गई थीटा 1 इज इक्वल टू 2.5L, और दूसरी मिल गई थीटा 2 इज इक्वल टू 1.5L। अब क्या करना है हमको, थीटा 1 इंटू 2.5L इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू 1.5L, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो जब हमने इक्वेट किया तो L से L कैंसिल हो गया, और थीटा 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1.5 अपॉन 2.5 इंटू थीटा 2। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो थीटा 1 क्या मिल जाएगा हमको, 3/5 थीटा 2। अब ये जो वैल्यू मिल गई है हमको थीटा 1 और थीटा 2 की, तो इसे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारी, ये है इक्वेशन 1, W इंटू टेल प्लस W इंटू बी एफ इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर जहां जहां पर थीटा 1 है वहां पर हमें उसकी वैल्यू पुट अप कर देनी है, और डेल्टा की जगह भी हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और बीएफ की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, पहले तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम फिर से एक बार। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 डब्ल्यू इंटू बीएफ प्लस डब्ल्यू इंटू डेल इज इक्वल्स टू एमपी थीटा 1 प्लस 0.5 एमपी थीटा 1 प्लस 0.5 एमपी थीटा 2 प्लस एमपी थीटा 2। यही है देखिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि ये तो एज इट इज रहने देते हैं हम अभी फिलहाल के लिए, इसमें बाद में वैल्यूज पुट अप करेंगे, और एमपी थीटा 1 की जगह पे हमें क्या रखना है, 3/5, ये जो वैल्यू हमने निकाली, तो ये वैल्यू हमने अभी क्या निकाली, 3/5 थीटा 2 प्लस 0.5 एमपी इंटू 3/5 थीटा 2 प्लस 0.5 एमपी थीटा 2 प्लस एमपी थीटा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, W इंटू बी एफ एज इट इज प्लस W इंटू डेल एज इट इज, और यहां पर हमें मिल जाएगा देखिए
थ्री डिवाइड बाय फाइव तो ये हो गया 0.6, 0.6 इंटू 0.5 तो ये हो गया 0.3, तो 0.6 एमपी थीटा 2 प्लस 0.3 एमपी थीटा 2 प्लस 0.5 एमपी थीटा 2 प्लस एमपी थीटा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये w इंटू बी एफ एज इट इज प्लस w इंटू डेल एज इट इज और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.5 प्लस 1 तो ये हमें मिल गया 2.4। ये हमें कितना मिल गया 2.4 एम पी थीटा 2। अब देखिए यहाँ पर BF की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी तो वो देखिए ये निकाली थी थीटा 1 इंटू 1.5 एल्स तो इसे भी रख देते हैं हम W इंटू थीटा 1 इंटू 1.5 एल प्लस W इंटू W इंटू डेल्टा तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है देखिए 1.5 L इंटू थीटा 2 तो इसे भी यहाँ पर रख देते 1.5 L इंटू थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2.4 एम पी थीटा 2। अब देखिए फ्रेंड्स कि ये थीटा 1 के फॉर्म में है तो इसमें थीटा 1 की जगह पर भी हम थीटा 1 की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स थीटा 2 के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा W इंटू 3 बाय 5 थीटा 2 इंटू 1.5 L प्लस W इंटू 1.5 L इंटू थीटा 2 इज इक्वल्स टू 2.4 एम पी थीटा 2। तो जब हमने इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये हमें क्या मिल गया 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 1.5 तो ये मिल गया 0.9 W थीटा 2 और L प्लस W 1.5 L इंटू थीटा 2। देखिए दोनों की टर्म सेम है तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो 0.9 प्लस 1.5 हमें कितना मिलेगा 2.4। तो देखिए यहां पर भी मिल गया 2.4 W थीटा 2 इंटू एल और यहां पर भी मिल गया 2.4 MP थीटा 2। तो देखिए थीटा 2 से थीटा 2 हो जाएगा कैंसल और यहां पर हमें W कितना मिल जाएगा 2.4 से 2.4 कैंसल थीटा 2 से थीटा 2 कैंसल तो ये हमें मिल गया एम पी अपॉन एल। तो ये केस 2 के लिए भी हमें कोलैप्स लोड कितना मिल गया एम पी अपॉन एल। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर सॉल्व। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।